आरजेडी ने बिहार की 22 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लालू यादव की दो बेटियों मीसा और रोहिणी का नाम भी लिस्ट में शामिल है। पार्टी ने पूर्णिया से बीमा भारती, मधुबनी से पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, बक्सर से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह और हाजीपुर से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाया है। अभी सीवान सीट पर प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट। लालू की दो बेटियों को लोकसभा का टिकट। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए जिन 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उनमें पार्टी प्रमुख लालू यादव की दो बेटियों के नाम भी शामिल हैं। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से तो दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि इन दोनों को पार्टी ने पहले ही सिंबल दे दिया था। मीसा भारती बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, तो रोहिणी आचार्य पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। रोहिणी आचार्य तो टिकट मिलने से काफी पहले चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुकी है। सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए, ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरे माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। इनके अलावा आरजेडी की लिस्ट में जो प्रमुख नाम है, उनमें पूर्णिया से बीमा भारती को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। उस सीट पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीमा भारती हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी। वहीं जेडीयू से आरजेडी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी को मधुबनी से मैदान में उतारा गया है, जबकि हाजीपुर से एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ आरजेडी ने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के बाकी उम्मीदवारों में बक्सर सीट से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, वैशाली से बाहुबली मुन्ना शुक्ला, शुहर सीट पर पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के खिलाफ रितु जायसवाल, बांका से जयप्रकाश यादव, गया से कुमार सर्वजीत पासवान, नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, दरभंगा से ललित यादव, अररिया से शाहनवाज आलम, सुपौल से चंद्रहास चौपाल, जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से अनीता देवी महतो, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप और वाल्मीकि नगर से दीपक यादव शामिल हैं। आरजेडी ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें कई पहले ही नामांकन कर चुके हैं और उनके लिए तेजस्वी पहले से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरे मानने से सरबजीत जी सच्चा उम्मीदवार का प्रत्याशी पूरे गया में नहीं होगा, जो ये काम करके आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। महागठबंधन ने बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से आरजेडी को 26 सीटें दी थी, जिनमें से आरजेडी ने 22 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अभी सीवान सीट पर सस्पेंस बरकरार है। आरजेडी ने वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के साथ आने के बाद 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी अपने खाते से उन्हें दे दी है। मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब इंडी गठबंधन की लहर है। इतना बड़ा भीड़ है कि मोदी जी भी इससे पहले भी कार्यक्रम किए हैं, हम मोदी जी अपने एजेंसी से पता कर ले कि किनके रैली में ज़्यादा भीड़ है, तो मजबूती से बिहार के लोगों में मन हो गया है, खास करके बिहार के युवा जो मोदी जी के 2014 में जो झांसे में आए थे कि 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे और युवा 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब नौकरी हमको मिलेगा। आरजेडी ने प्रत्याशियों के नाम तय करने में इस बार भी अपने पारंपरिक वोट को ध्यान में रखा है। पार्टी ने यादव जाति से आने वाले 8 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा कुशवाहा समाज से भी 3 लोगों को टिकट दिया है। उधर लालू के जातीय समीकरण को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि वो कुछ भी कर ले, एक भी सीट पर इस बार उन्हें जीत नहीं मिलने वाली है। लालू जी कुछ भी कर ले, बिहार की जनता बहुत होशियार है,
बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और बिहार की जनता चाहती है कि 2024 में फिर से मोदी सरकार बने, इसलिए एक एक वोट सभी समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बने। आरजेडी ने काफी देर से ही सही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस को बिहार में 9 सीटें मिली हैं।